यानी कि उनको करंट लग गई। तीनों को तो नहीं बचा सके पर एक भाई को इन्होंने खींच के बचा लिया। लोगों ने शोर मचाया कि खंभे के पास तीन आदमी गिर गए हैं मोटरसाइकिल पे, तो नहीं बचे दो, तो एक उनका जो कज़न था वो बच गया। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर जो कि डॉक्टर शफीक रहमान वाली बला गला में मौजूद है, जो कि दस्तगीर रोड के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे एक बड़ा ही आज अलमनाक वाकया हुआ। यहाँ पे दो भाई और एक उनका कज़न जो है बाइक पे गुजर रहा था, बारिश बहुत शदीद हो रही थी और ये जब खंबे के पास से गुजरे तो खंबे ने इनको अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि इनको करंट लग गई। ये दो भाई हैं, तीनों को तो नहीं बचा सके पर एक भाई को इन्होंने खींच के बचा लिया। तो इनसे पूछते हैं इनके जहन में क्या हो रहा है, कैसे उस बाइक बचाया? जी सर, मैं इधर बाहर खड़ा था तो उधर लोगों ने शोर मचाया कि खंभे के पास से तीन आदमी गिर गए हैं मोटरसाइकिल पे, तो करंट लग गई है उनको। इधर एक गाड़ी भी जा रही थी, वो गाड़ी उन्होंने पीछे की है, तो हमने पैप पकड़ा। इधर हमारे पास पैप है पानी वाला जो है, तो हम दोनों साशगिर्द हैं, तो हम दोनों गए हैं भाग के उधर। तो हमने दो तीन बार उनको पैप, पहले एक को पैप डाला उसको खींचा हमने, फिर दोनों भाई ऊपर बैठे हुए थे, फिर हमने उनको पैप डाला दो तीन बार, फिर मोटरसाइकिल को पैप लगाया तो हमने दोनों को खींच लिया, मोटरसाइकिल समेत दोनों भाइयों और मोटरसाइकिल को भी खींचा। तो वो तो नहीं बचे दो, तो एक उनका जो कज़न था वो बच गया। अच्छा, ये बता रहे थे कि जब ये सारी की सारी जदोजहद कर रहे थे, इनको करंट भी पड़ रही थी क्योंकि इनके पाँव पे जारी बात है पानी था। हाँ। पानी के अंदर इनको करंट पड़ रही थी, इन्होंने फिर भी हिम्मत बहुत हिम्मत की और उनको खींचा। और पहले भाई को इन्होंने ऐसे खींच लिया कि उसका बाजू किसी दिक्कत अड़ गया, तो उसको उन्होंने खींच लिया। आपको पता करंट किसी को छोड़ती नहीं है। तो भाई आप बताएं, आपने क्या क्या फील किया, कैसे आपके जहन में आया कि आपको पता था इसमें जान भी जा सकती है? कोई नहीं, हिम्मत ही, तो उस्ताद जी को देखा तो हमने भी कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो हमने भी कोशिश की, पाइप को पकड़ा और खींचा, तो कोशिश कामयाब हुई। तो अच्छा उस्ताद जी, मैंने देखा है कि लोग देखते हैं ऐसे मौके पे लोग अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे होते हैं या भाग जाते हैं, तो आपने कैसे कर लिया ये? मुझे समय, आपने एक इंसान की जान बचाई है। बस अल्लाह की तरफ से ही ऐसा हुआ और मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ हुआ है। लोग बाहर खड़े देख रहे थे, पास कोई नहीं आ रहा था, तो ये मैंने और मेरे शकीर ने, हमने दोनों ने हिम्मत की है तो उनको बाहर निकाला बस। तो तकलीफ तो हमें भी है कि दो जो भाई हैं वो नहीं बच सके, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। असल में उनको करंट ने छोड़ा ही नहीं है, तो एक जो बच गया बस वो ही उसकी खुशकिस्मत है, वो बच गया। तो इन भाइयों ने बहुत बड़ा काम किया है, जितना इसका मतलब कि इसको तारीफ की जाए थोड़ी है कि एक इंसान को इन्होंने बचाया। आपको पता है एक इंसान को बचाना इंसानियत को बचाने के बराबर होता है। इनको दाद दी जाती है। 112 वाले को तीन चार बार फ़ोन हमने किया है, तो फ़ोन के भी हमें बताते हैं इनको बेड पे लटाए, इनको जिस सीधी जगह लटाएं, बारिश तो फुल हो रही थी, बेड इधर गए सारी तो दुकानें हैं इधर। तो मैंने देखा नहीं, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर आप बच्चे को रेत में दबाया हुआ था। हाँ, और रेत को मुझे भी करंट दरअसल ना पड़ी है बचपन में, तो मुझे भी रेत में दबाया गया था, इसलिए मुझे यही है कि इसको भी रेत में दबाएं, उनके पाँव तो चसते हैं, तलियाँ चसते हैं इनके, कि शायद होश आ जाए, लेकिन दो भाइयों को तो होश नहीं आई। फिर हमें फ़ोन भी बता दिया बेड पे लटाए हैं, बेड पे कहाँ लटाएं, इतनी तेज बारिश है, घर इधर है नहीं कोई भी। अच्छा, बच्चे को जिस बच्चे को आपने खींचा था वो खींचते साथ बिल्कुल ठीक हो गया था? ना, उसको 5-7 मिनट उसको भी वो रेत चसी है, पाँव पे तलियों पर भी, तो हाथों पर उसके मुँह से थोड़ी सी झाग भी आई है, फिर उसके बाद 5-10 मिनट लगे उसको फिर होश आई है दोबारा। तो 112 का दफ्तर इतनी दूर नहीं है, ये 5 मिनट का फासला है, 10 मिनट का सिर्फ। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। ठीक है।